स्पैंकिंग का मतलब क्या होता है? स्पैंकिंग का मतलब होता है किसी मेल या फीमेल के हिप पर ओपन हैंड से जोर जोर से चाटे बजाना। और जैसा होता है ना बच्चे के साथ, हम उसको पनिश करते हैं, उसको नंगा करके उसके हिप पर चाटे मारते हैं, तो सेम ये वैसी ही चीज होती है। बस इसका जो तरीका होता है, इसका जो पर्पस होता है, सेक्सुअल एक्ट के दौरान थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर जिस मेल फीमेल को चाटे मारे जाते हैं उसके हिप पर सेक्सुअल एक्ट के दौरान, जब स्पैंकिंग की जाती है उसको, तो उसका पर्पस उसको पेन में प्लेजर का एहसास कराना होता है। और देखो, इस पेन में प्लेजर का एहसास वही इंसान कर सकता है जिसे स्पैंकिंग करवाना पसंद हो। और ये पसंद किसी की भी हो सकती है, मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है। कितनी ही फीमेल ऐसी होती हैं जिन्हें सेक्सुअल एक्ट के दौरान रफ एक्ट पसंद होते हैं, उन्हें टॉर्चर होना पसंद होता है। तो ऐसे फीमेल जिन्हें टॉर्चर होना पसंद होता है, उन्हें स्पैंकिंग भी पसंद होती है, उन्हें अच्छा लगता है उनके बम पे तेज तेज से चाटे बजाए जाए, जितना ज्यादा तेज हो सके उतनी तेज उनको स्पैंकिंग की जाए। सेम इसी तरह से कुछ मेल भी होते हैं जिन्हें स्पैंकिंग पसंद होती है। अब देखो, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी होता है कि जो स्पैंकिंग होती है वो फीमेल को क्यों पसंद होती है, क्योंकि कुछ फीमेल ऐसी होती है जिनका जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट जो होता है बॉडी का वो हिप्स ही होता है। तो उनके हिप्स के साथ अगर कोई छेड़खानी करता है, कोई स्पैंकिंग करता है, कुछ स्क्वीज करता है, तो वो बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली अराउज होती है, उनके अंदर एक अजीब सी सेंसेशन जागती है और उनकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंक्रीज होने लग जाता है। मतलब कहने को ये जो स्पैंकिंग होती है थोड़ा पेनफुल होता है, लेकिन ये आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को एक्टिव करता है। वो फीमेल जिसे स्पैंकिंग बेहद पसंद है और उसका जो पार्टनर है उसे स्पैंकिंग करने का राइट वे पता है, उसे वो करेक्ट फॉर्म पता है, तो वो अपनी उस पार्टनर को ऑर्गजम तक पहुंचा सकता है। क्यों? जब कुछ स्पैंकिंग करता है तो बॉडी में एंड्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वजाइनल इंटरकोर्स के टाइम पर रिलीज होता है। इस एंड्रोफिन हार्मोन्स का काम क्या होता है? आपके पेन को कम करना, आपके डिसकंफर्ट को कम करना और आपके प्लेजर को एनहेंस करना, बढ़ाना। तो यही वो रीजन होता है कि जिसकी वजह से कुछ फीमेल ऐसी होती है जिन्हें स्पैंकिंग पसंद होती है। अब आप बोलेंगे कि यार कुछ फीमेल को क्यों पसंद होती है, सबको क्यों नहीं होती? तो यार ओलंपिक में क्या हर दूसरी फीमेल चली जाती है कि दौड़ लगाने? अंतरिक्ष में जाने का सपना किसने देखा था? कल्पना चावला ने ना। मैक्सिमम फीमेल क्या करती है, उनका रूटीन क्या होता है? चूल्हा चौकी करना, घर को संभालना और रात में बिस्तर संभालना। तो इसी तरह से कुछ ही फीमेल ऐसी होती हैं जिन्हें सेक्सुअल एक्ट के दौरान हिप पे स्पैंकिंग करना पसंद होता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्हें बीडीएसएम एक्ट कुछ ज्यादा ही पसंद होते हैं, क्योंकि स्पैंकिंग जो है वो एक तरह से बीडीएसएम एक्ट का ही पार्ट है। यहां पर वो ये पेन एंड प्लेजर ये वाली चीजें होती हैं कि पेन में प्लेजर को कैसे महसूस करें। BDSM एक्ट जो होता है वो इंग्रेडिएंट होता है कुछ चीजों का, लाइक डोमिनेशन हो गया, बॉन्डेज हो गया, ह्यूमिलेशन, टॉर्चर, फिजिकल पेन, तो ये सारे इंग्रेडिएंट होते हैं BDSM एक्ट के, जिसे मेल और फीमेल दोनों ही एंजॉय करते हैं। तो वो एरोटिक स्पैंकिंग करना भी पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पेन मिलता है और पेन में उसे मजा आता है। देखो, वो लोग जो BDSM लवर होते हैं, जब ये लोग स्पैंकिंग एक्ट करते हैं तो इनका जो लेवल होता है कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे एरोटिक स्पैंकिंग चलती है, मतलब यहाँ पे डिग्री सिस्टम होता है कि कौन सा टॉर्चर चाहिए, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री। देखा जाए तो जो BDSM एटीट्यूड है ना, ये हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत होता ही होता है, तभी वो जो लाइफ में उसको जो ठोकरे लगती है, पेन होता है या पता लग रहा है यार कहीं कुछ हो गया है, दिक्कत होगी, तो उस पेन को बर्दाश्त कर पाता है, वरना किसी के बस की ना। आप खुद भी देखेंगे अगर नाइफ से अगर किसी का हाथ कट जाए तो उसको वो बर्दाश्त करता है, किसी को सुई चुभ जाए वो बर्दाश्त करता है। ये जो लोग जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जो अपनी बॉडी से इतना काम लेते हैं, ये पेन ही तो देते हैं अपनी बॉडी को, उसके बाद ही तो उन्हें मनचाही बॉडी अचीव हो पाती है, तो ये प्लेजर ही तो है उनका, पेन में प्लेजर का एहसास। सेम चीज है, स्पैंकिंग इज जस्ट लाइक पेन देना, और जिसको स्पैंकिंग पसंद होती है उसे वो प्लेजर देता है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पैंकिंग फैटिश वाले लोग होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सेक्सुअल अराउजल जो होता है वो स्पैंकिंग एक्ट के दौरान ही होता है। उनका तो क्या है कि उन्हें कोई डल्लब का गद्दा बना ले और बजाए चला जाए, बजाए चले जाए, मतलब उसे स्क्वीज करे, उसके बम को, उसके हिप्स को बाइट करे, स्क्रैच करे। अगर वो किचन में खड़ी हुई लेडी कुछ ब्रेकफास्ट या डिनर बना रही है, आप उसके बम पे बजाए चले जाओ, एंजॉय करेगी वो उसे, आपको बोलेगी नहीं कि क्यों मार रहे हो मुझे, उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे फैटिश वाले भी लोग होते हैं। इसी तरह से ना कुछ मेल होते हैं, खासकर वो जो कि सबमिसिव नेचर के होते हैं, क्योंकि पसंद होती है स्पैंकिंग, वो यही चाहते हैं कि यार मेरे बट पर
पर कोई बस बजाता रहे, जाके बजाता रहे, उसे स्क्वीज करे, उसको बाइट करे, उसे स्क्रैच करे, उन्हें उसी में मजा आता है, उन्हें उसी में मजा आ रहा होता है। और वैसे भी देखो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अलग हटकर होता है जो उसे सेक्सुअल एक्ट के दौरान पसंद होता है, जिसमें उसे सबसे ज्यादा प्लेजर मिलता है, जिसे वो बार बार करना चाहता है। जैसे कुछ लोगों को सेक्सुअल एक्ट के दौरान किस करना, स्मूच करना ज्यादा पसंद होता है, तो वहीं किसी को टंग प्ले करने में ज्यादा मजा आता है। तो हर इंसान का टेस्ट अपना अलग अलग होता है। इसी तरह से कुछ लोगों को स्पैंकिंग पसंद होती है। स्पैंकिंग जो है वो बॉडी में एक स्पार्क जनरेट करता है। ये दो लोगों के बीच में आपसी रजामंदी और सहमति से किया जाने वाला एक्ट है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो स्पैंकिंग है वो हिप के साथ ही की जाए, ये बॉडी के किसी भी पार्ट के साथ किया जा सकता है, थाई के साथ, लेग के साथ, चेस्ट के साथ। जितनी ज्यादा सॉफ्ट स्किन उतना ही प्रेशर कम डालो। लेकिन हाँ, जो हिप्स जो है वहां पे बंडल ऑफ मसल्स होता है और वो मसल्स बहुत हार्ड होते हैं, तो वहां पे हार्ड एक्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पैंकिंग एक्ट को करने का मजा और ज्यादा तब बढ़ जाता है जब आप होम मेड क्लोथ पहनकर इस स्पैंकिंग को परफॉर्म करते हो, क्योंकि ये आपके अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी को क्रिएट करता है। जब आप ये थोंग वाले क्लोथ पहनकर स्पैंकिंग एक्ट को परफॉर्म करते हो तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा यंग फील करते हो, और यह आपका मजा भी दुगुना करता है, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन सा सेक्सुअल एक्ट क्या पहनकर कर रहे हो। देखो आपका पहनावा, कि आप क्या पहनकर किसी सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म कर रहे हो, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ये आपके उस एक्ट को और ज्यादा पावरफुल, मैग्नेटिक, प्लेजरेबल, एंजॉयबल बना देता है। आपके अंदर एक अलग तरह की हॉटनेस क्रिएट करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। सेक्सुअल एक्ट के दौरान अगर बात स्पेशली फैंटेसी एंजॉय करने की हो रही है तो अपने कपड़ों के सिलेक्शन पर एक बार जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगा और आपके इस मोमेंट को यादगार बनाने में मदद करेगा। तो मेरी तरफ से स्पैंकिंग के रिगार्डिंग इतना ही। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का कि कैसा लगा आपको वीडियो।